please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चौरे। राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में लूट के आरोपियों की लोगों ने जमकर पिटाई की है। जानकारी के मुताबिक मयूर विहार के चिल्ला गांव में तीन बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक शख्स से मोबाइल और कैश लूट लिया और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसी दौरान पीड़ित शख्स ने शोर मचा दिया और इसके बाद मौके पर इकट्ठा हुए लोगों ने तीनों चोरों को पकड़ लिया और लात घूसों से उसकी जमकर पिटाई की गई। बदमाशों की पिटाई के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची, फिर भी लोग नहीं माने और पुलिस के सामने ही बदमाश को पीटते रहे। किसी तरह पुलिस ने बदमाशों को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उनको हिरासत में लेकर अब पूछताछ शुरू कर दी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या बता रहे हैं लोग, आखिर इस तरह से पिटाई का क्या कारण भी था? देखिए, जिस तरह से इलाके में चोरी और लूट की वारदातें बढ़ी हैं, जिसके बाद लोगों में ये गुस्सा आक्रोश जो है साफ देखा जा सकता है, क्योंकि बीती रात को जब एक शख्स अपने घर पर आ रहा था, चिल्ला गांव में वो रहता है, और उससे अकेला पाकर तीन बदमाशों ने चाकू की नोक पर उसका मोबाइल और पैसे लूटने की कोशिश की, जिसके बाद उसने शोर मचाया। इत्तेफाक से वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने शोर मचाने को सुना और शोर के बाद वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने उन तीनों चोरों को घेर कर पिटाई की। उसके आसपास के लोग भी आ गए, जिससे जमकर उनकी पिटाई की गई। किसी ने पुलिस को कॉल किया था, पुलिस कर्मियों के सामने भी लोगों का गुस्सा जो है यहाँ पर चोरों के ऊपर दिखा। कुल मिलाकर पुलिस ने बमुश्किल उन तीनों को वहां से छुटाया और उसके बाद पुलिस इस वक्त उनसे थाने में पूछताछ करेगी, क्योंकि बीती रात से लगातार लोगों का जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर आए दिन वारदात होती है, पुलिस इस पूरे मामले में रोकने में नाकामयाब रही है। तो इसी वजह से लोगों ने इन तीनों चोरों की जमकर पिटाई की है और पिटाई करने के बाद भी लोग इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पुलिस ने बमुश्किल इनको बचाया वहां से। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी लगातार पीटना, क्या ये भी दिखाता है कि पुलिस की कार्रवाई से वो आश्वस्त भी नहीं? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से आए दिन राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में छिटपुट घटनाएं होती हैं और आए दिन स्नैचरों की तादाद बढ़ी है और पुलिस का रवैया लोगों को सही तरीके से नहीं लगता, इसी वजह से लोगों का कहना था कि यहाँ से अगर चोर छूट गए तो पुलिस उन्हें आगे शायद छोड़ देगी, को अगर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इसी वजह से लोगों ने पुलिस के सामने होने के बावजूद भी उन लोगों की पिटाई की है, तीनों चोरों की जमकर पिटाई की गई और जब तक अगर पुलिसकर्मी नहीं पहुंचते तो शायद उन लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता, लेकिन पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे, बमुश्किल लोगों को समझाया गया, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने लेकर गई। शुक्रिया दीपक। गुजरात के अहमदाबाद में दिल्ली के बुराड़ी जैसा ही एक मामला सामने आया है। अहमदाबाद के नरोड़ा इलाके में एक व्यक्ति ने पत्नी और बेटी को जहर दे दिया और खुद भी फांसी पर लटक गया। इस मामले में पुलिस को एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें काले जादू की बात सामने आ रही है। अपनी माँ को लिखी चिट्ठी में कहा कि मम्मी, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं, कभी दिल से शराब नहीं पीता था, पर काली शक्ति उसे ऐसा करने पर मजबूर करती थी। लेकिन मौत से पहले एक लेटर भी इस शख्स ने लिखा। इस शख्स ने लेटर में लिखा कि मम्मी, आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाए, पूरी दुनिया ने मुझे शराबी कहा, पर मैं नशा करता क्यों था, यदि आपने मुझे पहले ही समझ लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती, मैं कभी भी किसी चीज से डरा ही नहीं, आत्महत्या कुणाल की डिक्शनरी में कभी नहीं था, मैंने कई बार काली शक्ति के बारे में आपको बताया लेकिन आपने माना ही नहीं और शराब उसका कारण बताया, मैंने एमपी वाले को धंधे में 14,55,000 रुपए भी दिए, मैं किसी का भी कर्जदार नहीं, कोई भी आपसे एक रुपया लेने का हकदार नहीं है, जो आज तक का संचय है वो किसी भी रूप में आपका धन, मैंने शराब कभी भी शौक से नहीं पी, काली विधाओं ने मेरी इस कमजोरी का भरपूर उपयोग किया, मेरी इच्छा है कि मेरे सास ससुर और आप कभी भी तकलीफ में आए, ऐसा कभी सोचा नहीं था, लेकिन हालात ने मुझे कभी ऊपर आने नहीं दिया, जीवन में कई बार गिरा खड़ा हुआ लेकिन कभी हारा नहीं, लेकिन अब चीजें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मम्मी आप तो जानते हो कि क्या हालात होते जा रहे थे, टीना खुश रहना। ये पत्र जब उसने अपनी बेटी और पत्नी को जहर देकर मारा और फिर खुद भी फांसी पर लटक गया, लेकिन उससे पहले उसने ये पत्र लिखा था, किसी काली शक्ति की यानी कि जादू टोना की ओर इशारा इस पूरे पत्र से हो रहा है। पुलिस ने
अब इस पत्र के आधार पर भी तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरात के अहमदाबाद की ये घटना है, लेकिन खास बात यह है कि कुछ वक्त पहले ही दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। लेकिन अब अहमदाबाद पुलिस इस चिट्ठी को पढ़कर अब आगे की तफ्तीश में भी जुटी है, जिसमें काले जादू की बात सामने आ रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम समेत पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आज 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र असम के कोकराझार में था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भूकंप से दहशत में आए लोग घरों से बाहर निकल आए, तो वहीं असम के गुवाहाटी में भी भूकंप के बाद लोगों में डर बैठ गया। घबराए हुए लोग अपने घर से बाहर सड़कों पर आ गए। बिहार के पूर्णिया में भी भूकंप के बाद अफरा तफरी का आलम था। वहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने भूकंप की दहशत के बाद घर खाली कर दिया। आज सुबह आए भूकंप की वजह से घबराए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सभी लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए और बताया जा रहा है कि वहां पर भूकंप की वजह से एक लड़के की मौत भी हो गई। असम के गुवाहाटी में भी कई इलाकों में 5.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से डरे लोग घरों के बाहर सड़कों पर आ गए। कोकराझार में भी कई इलाकों में भूकंप की दहशत देखने को मिली है। डरे सहमे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर टहलते दिखाई दिए। लोगों के मुताबिक वहां 2 भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं, जिससे लोगों में और ज्यादा डर बैठ गया। बिहार के पूर्णिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से लोगों के बीच अफरा तफरी का आलम था। डरे हुए लोग अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ गए। इसके अलावा पटना, मधेपुरा, खगड़िया और लखीसराय में भी भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। 5.6 तीव्रता वाले इस भूकंप से लोगों में डर का माहौल है। लोगों के मुताबिक करीब 15 सेकंड तक लगातार ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार के भागलपुर में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी की वजह से कई इलाकों में कटान भी हुआ है। भागलपुर में नवगछिया महादेव पुल पर सड़क 50 फीट तक धस गई। बताया गया कि सड़क धसने की वजह से एक कार और एक टेम्पो नदी के पानी में बह गए। पुलिस और SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया। रोड के धसने की वजह से वहां पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई, लेकिन फिर इसके बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को बचाने का काम शुरू किया गया। बोट के जरिए फंसे हुए लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर लाया गया। रोड अचानक 50 फीट तक धंस गई और इसके बाद इसमें कार और टेम्पो समा गई, पानी की तेज बहाव में बह गई। और ऐसे में लोगों को बचाने के लिए पुलिस और SDRF की टीम ने बचाव अभियान शुरू किया। लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसता जा रहा है। जहां लोग परेशान हैं, वहीं रोड टूट जाने की वजह से भी यह हादसा हुआ। 2 आप देख रहे हैं किस तरह से ये रोड टूट गई और उस पर चल रही कार और टेम्पो पानी में फंस गई और इसके बाद फिर बचाव अभियान चलाया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कों और घरों में भी पानी भर गया। रुक रुक कर लगभग 2-2.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई और इसी वजह से सड़कें पानी में डूब गई। गाड़ियों की आवाजाही में भी मुश्किल आने लगी। लगातार बादल घिरे रहने की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया और भारी बारिश की वजह से जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त हो गया। देहरादून की ये तस्वीर, लगातार जहां बारिश, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर है। लगातार बारिश की वजह से गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से थोड़े ही नीचे हैं। बारिश से दोनों नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है और इस वजह से आसपास के गांवों में पानी भर गया है। गंगा नदी के किनारे बघाड़ा और सलोरी के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिस वजह से सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए छोटी नावों का सहारा ले रहे हैं। कुछ इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने से लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब शरण लेनी पड़ रही है। इसी तरह बिहार के वैशाली में भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है।
बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे 11 इलाके में पानी भर गया है। यहाँ पर सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। कई जगह तो सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से लोग घुटनों तक पानी भरी सड़कों को ही पार करने के लिए मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से मदद न मिलने से लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। और इसी तरह बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगभग लगातार बढ़ता जा रहा है और इस वजह से गंगा के आसपास के गांवों में पानी भी भर गया है। गांव की सड़कें और रास्ते पानी में डूब गए हैं। लोग नावों का सहारा लेकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। लोग नाव में अपना सामान रखकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बिहार के खगड़िया में एसडीओ ने एसडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान एसडीओ ने नाव पर सवार होकर लोगों को क्लोरीन की गोलियां भी बांटी ताकि लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रशासन की तरफ से नाव भी मुहैया कराई गई है। खगड़िया की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां राहत कार्य में जुटे प्रशासनिक अमले के साथ खुद एसडीएम भी पहुंचे और खासतौर पर क्लोरीन की गोलियां लोगों को बांटी है ताकि बाढ़ के बाद वो साफ पानी पी सके और सभी को क्लोरीन का की गोली इस्तेमाल करने की सलाह भी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने चंदे से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी के पक्षपात करने के आरोप को खारिज कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में ओपी रावत ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी एसबीडीटी की चिट्ठी की जांच के बाद ही आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा गया है और आम आदमी पार्टी की ओर से जवाब मिलने के बाद चुनाव आयोग पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत हैं। आप लोगों ने नोटिस भेजा, काफ़ी वक्त लगा, आम आदमी पार्टी बार बार सवाल उठाती है इस नोटिस को लेकर या इस पूरे मसले को लेकर कि एक तरह से दबाव में किया जा रहा है सब कुछ। ये कहना उचित नहीं है। जो रिपोर्ट चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से आई थी उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करके एक्सपेंडिचर डिवीजन ने कमीशन के सामने रखा। कमीशन ने यह तय किया कि प्राइमा फेसाई केस है, इसलिए इनको नोटिस दिया जाए। 20 दिन में जवाब आप लोगों ने मांगा है आम आदमी पार्टी से, क्या लगता है जवाब के बाद किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है अगर वो लोग दोषी पाए गए, अगर उनकी पार्टी दोषी पाई गई, क्या प्रावधान है कानून में? एक्चुअली वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स, लेट द रिप्लाई कम, उसके बाद तय करेगी कमीशन की क्या है क्या नहीं है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों और कुछ लोगों में टोल को लेकर झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हंगामे के बीच कार सवार ने फोन करके कुछ और लोगों को बुला लिया और इसके बाद टोल पर जमकर हंगामा हुआ। करीब आधा घंटे तक टोल पर हंगामा होता रहा, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों में समझौता कराया। बिहार के रोहतास में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक आदमी की पिटाई का आरोप लगा है। उस आदमी पर बाइक पर मांस ले जाने का आरोप लगा था। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस आदमी को पकड़कर पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने जमकर हंगामा भी किया और बाइक को आग लगा दी। पुलिस के ने मौके पर पहुंचकर आदमी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब लोगों ने बाइक पर मांस ले जा रहा है एक शख्स को पकड़कर जमकर पीटा और उसकी बाइक में आग भी लगा दी। लेकिन उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इस मामले को शांत कराया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई के एक चोर का ट्रेन में खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। स्टंट का वीडियो बनवाकर वायरल करने वाला लड़का ट्रेन में सामान चुराने वाला एक चोर है। वीडियो 3 महीने पुराना है और वायरल होने के बाद पिछले महीने आरपीएफ की नज़र में ये वीडियो आया। ऐसे आरपीएफ ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। वीडियो में लड़का तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन के निचले हिस्से में छिपा हुआ था और इसके बाद ये लड़का चलती ट्रेन में स्टंट करते हुए ट्रेन के ऊपर भी आ जाता है।
यह स्टंट इतना खतरनाक है कि जरा सी चूक उसकी जान भी ले सकती है। स्वयं वीडियो बनवा करके स्वयं वीडियो इसने वायरल किया, वो वीडियो हम लोगों के हाथ लगे जिसके आधार पर इसकी सुनिश्चित की गई और सुनिश्चित करते हुए इसको गिरफ्तार किया। मुंबई में एक्सप्रेस ट्रेन से गिर रही एक महिला यात्री की जान आरपीएफ के जवान ने बचा ली। इस दौरान जब यह हादसा हुआ उस वक्त महिला अपने परिवार के साथ मुंबई से गुजरात जाने वाली ट्रेन पकड़ रही थी। घटना कल रात की है जब महिला अपने परिवार के साथ गुजरात मेल पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ट्रेन पर सामान चढ़ाने के बाद जब महिला ने चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ट्रेन और ट्रैक के बीच में फंस गई। लेकिन इस दौरान पास में ही मौजूद आरपीएफ जवान अशोक कुमार ने तत्परता दिखाते हुए महिला को ट्रैक और ट्रेन के बीच से निकाल लिया और उसकी जान बचा ली। में 75% रॉयल्टी छूट दी जाएगी। इसके कारण एक नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी और 50 लाख करोड़ रुपया की आने वाले 10 साल में उत्पादन बढ़ेगी। यह हम लोगों की एक नई पॉलिसी आज अप्रूवल हुई है। ये दो विषय आपको बताना था मित्रों। और एक विषय मैं आज कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट किया। कल एक कोई इसकी फॉर्मल नोट कैबिनेट में नहीं था लेकिन जब कैबिनेट की फॉर्मल मीटिंग होने के बाद सारे कैबिनेट प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट किया। कल प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं के साथ संवाद किया था। लाखों महिलाओं के साथ संवाद करते हुए आंगनबाड़ी और आशा वर्कर ये दोनों की मासिक मानधन में बढ़ोतरी का जिम्मेवारी लिया। लगभग आंगनबाड़ी डिटेल आपके सामने है, 1.5 गुना की इंक्रीज हुई है। आशा बहनों की दुगनी हुई है, उनको इंश्योरेंस के साथ जोड़ा गया है। इसकी बहुत बड़ी सामाजिक और अर्थनीतिक इम्पैक्ट ग्रामीण गवर्नेंस में लगे हुए बहनों के ऊपर मिलने वाला है। इसीलिए कैबिनेट ने इस दो विषय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया। इतना ही विषय मेरे को कहना था। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तीन विषयों के बारे में आपको जानकारी दे दूं। एक तो पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने 19 दिनों से जारी अपने अनिश्चितकालीन अनशन को आज खत्म कर दिया। पाटीदार आरक्षण और किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर हार्दिक पटेल पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर थे। अनशन करने के बाद हार्दिक आज अभी अपने अनशन तोड़ रहे हैं। जो पाटीदार जो 6 धार्मिक संस्था है उसके जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मंच पर है और जिस तरीके का प्लानिंग किया गया था कि उनको पानी पिला के नारियल पानी और नींबू पानी पिला के उनके अनशन तोड़ाए जाए और बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग जो पानी के प्याले हैं उसके अंदर जो ग्लास है उसमें पानी है, नींबू पानी है और नारियल पानी है। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि हार्दिक को आज 19 दिन जो किसानों की मांग और आरक्षण का जो मुद्दा था उसको लेकर उसने मांगे रखी थी, आज 19 दिन के बाद अनशन तोड़े जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब तक हार्दिक की बातें नहीं मानी है लेकिन इस मंच से भरोसा दिया गया है कि पूरे पाटीदार समाज की ओर से जो 6 धार्मिक बड़ी संस्थाएं हैं उनकी ओर से सरकार के साथ लगातार बातचीत की कोशिश होगी और जो भी मुद्दे हैं और मुद्दों का हल ढूंढने की कोशिश इन संस्थाओं की ओर से किया जाएगा।